गोवर रुबेलाचा फैलाव होऊ नये यासाठी सर्व नागरिकांनी दक्ष राहावं. यापूर्वी आपण कोरोनावर मात केली आहे, आता गोवर रुबेलाला पळून लावू यासाठी घराघरात परिसरात जनजागृती करा व लस घ्या असं आवाहन पनवेल महानगरपालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख यांनी आज तळोजा येथील नॅशनल उर्दू प्राथमिक माध्यमिक शाळेत जनजागृती अभियानाअंतर्गत उपस्थित विद्यार्थी व शिक्षक पालक वर्गांना मार्गदर्शन करताना केलं. यावेळी व्यासपीठावर आयुक्त गणेश देशमुख यांच्यासह पनवेल एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष उद्योजक इकबाल भाई काझी, याकूब बेग माध्यमिक शाळेचे ट्रस्टी व माजी नगरसेवक मुकित काझी, माजी नगरसेवक पापा पटेल, नगरसेवक हरीश केणी, महापालिका प्रभारी मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर रेहाना मुजावर, डॉक्टर पटेल, डॉक्टर शेख, तळोजा येथील सामाजिक कार्यकर्ते आरिफ पटेल, जवाद पटेल, नावीद पटेल, ताहिर पटेल, मुनाब सय्यद, उल्मा कमिटी सदस्य, शाळेतील शिक्षक व विद्यार्थी उपस्थित होते. वैक्सीन लेने वाले बच्चों की उम्र चाहिए 9 महीने से पहले, एकदम छोटा शिशु, आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन, ठीक है, आपका है ना, आपके पड़ोस का, आपके घर का. दूसरा ग्रुप है 5 साल तक, करेक्ट करो ना, नहीं वो ठीक है, जो लिया नहीं वही उसी की बात कर, ये एज ग्रुप बराबर ना. तो इन बच्चों को ये टीका लगाना है. मेरे हिसाब से 70% 60% बच्चों ने ये वैक्सीनेशन लिया है. अभी बच्चे मुझे जो 30% 25% जो 25-30% बच्चे हैं जिनका ये वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, उन बच्चों तक हमें पहुंचना है. तो वो बच्चों तक पहुंचने के लिए आप लोगों की, आप बच्चों की सहायता की बहुत जरूरत है. इंशाल्लाह तुम लोग अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो कि अपने बच्चों को जो वैक्सीन जो आई है, जो टीका आया है गवर का, तो वो गवर हमारे इसमें फेमस है. पहले बच्चे लोगों को कुछ ना कुछ टोटके करते थे और टोटके करना भी गुनाह है. ये किसी तुम मुफ्ती से पूछ सकते हो. ये तो इंजेक्शन है जो हमारे सेहत पे, अगर किसी बच्चे को वो सूटेबल नहीं है तो डॉक्टर से पूछ के करो, लेकिन मगर डरो मत. तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे बच्चे, हमारे बच्चे सबको परवरिश करने वाला अल्लाह है और इंशाल्लाह अल्लाह ही उनको अच्छा करेगा. इस यकीन के साथ में अपने अपने घरों में जाकर अपने अपने बच्चों को ये जो बीमारी के जो टीके हैं ये लगाना शुरू करो. अपने आगे के बच्चे की आगे की ये बनाना है, आगे बीमारी ना हो इसको रोकने के लिए अपने को लस, ये लस लेना है. इसलिए हम सब आपके लिए आए. आप हमको ये है कि आप इसका जरूर ख्याल रखेंगे और अपने बच्चे को इस गोवर का लस का टीकाकरण लगाएंगे और अपने तलोजा के बच्चे का ख्याल अच्छी तरह से रखेंगे. इधर सब लोग, आप तलोजा के बहुत से लोग आए, वही समझाएंगे. अपने टीचर लोग है, हमारे डॉक्टर लोग है, वही समझाएंगे. और बच्चे लोग आपको भी ध्यान रखना है कि अपने को पूरा गोवर को देश से जैसा कोरोना भगा है वैसा ही गोवर को ही भगाना है. अपन भी अपना ये लस लेना है गोवर का. यही इसी मौके पे आपको मेरा, ये जो कार्यक्रम होता, ये जो फंक्शन था, वो गोवर जो फैल रहा है पूरे दुनिया में, पूरे दुनिया में जो गोवर फैल रहा है उसके लिए हमारे कमिश्नर साहब जिन्होंने एक खुद अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ आए और जो कीमती वक्त निकाल के आके जो मार्गदर्शन किया बच्चों को, जिस तरह कोरोना फैला था और उसको जो सभी लोगों ने, और जो कि हमारा तलोजा गाँव जिन्होंने इसमें बहुत ही अहम रोल किया और जैसे कोरोना को भगाया उसी तरह ये गोवर को भगाएंगे. यही हम इसीलिए एक सभी का एक मीटिंग रखी गई, सभी गांव वाले, सभी जितने भी पॉलिटिक्स है सभी को बुलाया गया. ये भेदभाव नहीं किया गया, सभी जितने भी हमारे यहाँ पॉलिटिशियन है सभी पक्ष के लोगों को बुलाया और ये सभी पक्ष लोग एकजुट होकर एक काम करेंगे. ये उस हिसाब से सबको बुलाया गया और जिस तरह ये तलोजा गाँव वालों ने कोरोना को भगाया तो उम्मीद करते हैं कि गोवर को भी भगाएंगे, एकदम 100% भगाएंगे, ये उम्मीद करते हैं. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.